सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज हम रिसर्च के अंदर एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना और पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की। इसको इंग्लिश में हम पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में और विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स स्टार्ट अवर ब्रीफ डिस्कशन ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस विद ए सिंपल डेस्टिनेशन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। अब देखिए, हमें पॉजिटिविज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और मेथोडोलॉजी क्या होता है। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? इज़ द फिलोसफी ऑफ नॉलेज और हाउ वी कम टू नो, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी नॉलेज को किस तरीके से ग्रहण करते हैं, उस किसी भी ज्ञान को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। और इसे कहा क्या कहा जाता है? नॉलेज ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट वी से नॉलेज ऑफ नॉलेज, तो उसका क्या आएगा? एपिस्टेमोलॉजी आएगा, यानी कि ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, मेथडोलॉजी में और एपिस्टेमोलॉजी में क्या फ़र्क है? अब हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं। मेथडोलॉजी इज आल्सो कंसर्न्ड विद हाउ वी कम टू नो, बट इट इज़ मच मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। अब देखिए, मेथडोलॉजी के अंदर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई काम किस तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर हम थोड़ा प्रैक्टिकली और थोड़ा एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को। अब देखिए, इसके अंदर हम दोनों में एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, उसको आपको जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि हम खाना बनाना सीख रहे हैं, सब्जी बनाना सीख रहे हैं। एक बंदा है, हमें बता रहा है कि पहले आपको सब्जी काटनी चाहिए और फिर उसके अंदर पानी डालना चाहिए, मिर्च डालनी चाहिए, ये डालनी चाहिए। यानी कि एक बंदा जब हमें थ्योरेटिकली समझा रहा है और थ्योरेटिकली हम समझ रहे हैं, उसको देख के समझ रहे हैं, तो वो क्या होगी? एपिस्टेमोलॉजी हो गया। और जब हम मेथडोलॉजी, यानी कि जब हम उस चीज़ को अपने हाथों से प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, सब्जी बना के देखते हैं, उसमें गलती होती है, काफ़ी गलती होती है, तब जाके हमें सब्जी बनानी आती है, तो वो क्या होगी दोस्तों? मेथडोलॉजी हो गई। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस थ्रो रीजन लॉजिकल फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ आल सर्टेन नॉलेज। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम अपने सेंस, यानी कि अपनी नॉलेज के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने लॉजिक के द्वारा किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिविज्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में हो जाएगा कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि लोग अंधविश्वास पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। देखिए, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी खेत के अंदर एक हनुमान की मूर्ति निकली। ठीक है, तो उस पर जहाँ वहाँ के आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने बहुत विश्वास किया, भाई भगवान की मूर्ति निकल गई, वो पूजा अर्चना करने लगे, ऐसे वैसे वो अंधभक्ति में पड़ गए। उन्होंने आँख मिच के उस पर विश्वास कर लिया, भाई भगवान की मूर्ति निकली, ये तो बहुत अच्छा है और ये भूमि तो बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब बात आती है पॉजिटिविज्म की। आती है पॉजिटिविज्म में कुछ लोग वहाँ पे आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे निकल गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हम इसे वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, हम अपने लॉजिक लगा के देखेंगे कि भाई ये जो मूर्ति है धरती में से कैसे निकल गई। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, तो उन्होंने देखा कि उस जो मूर्ति थी, मूर्ति के नीचे चने रखे हुए थे, चने की एक थैली रखी हुई थी। और वो थैली क्या थी दोस्तों, जब वो उसको नमी मिलने लगी तो वो जो चने हैं वो फूलने लगे। फूलने से क्या हुआ, वो जो मूर्ति रखी हुई थी वो ऊपर
ऊपर की ओर उठने लगी। ऊपर की ओर उठने लगी तो मतलब वो प्रकट होती हुई नजर आई। तो ये जो सारा था एक व्यक्ति ने किया हुआ था, एक पाखंडी व्यक्ति ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीज़ की हुई थी। तो जो तीन चार लोग आए उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, किस तरीके से हुई। उसके अंदर क्या है कि दोस्तों उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लगाया, रीज़न लगाया, लॉजिक लगाया, तब जाके उन्होंने किसी चीज़ को समझने की कोशिश की। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म कहते हैं। और पॉजिटिविज्म से पहले क्या होता था, लोग अंधविश्वास ज़्यादा करते थे, कहीं सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो मेरे को लगता है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी इसके अंदर काफ़ी तरह की बातें हैं जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कि अब पॉजिटिविज्म की धारणा किसने दी थी, तो वो नाम आएगा दोस्तों अगस्त कॉमेट ने दी थी। और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिन्होंने यह महसूस किया कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये देखिए, इसने यही बात कही है कि जिस तरीके से हम विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर करके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से समाज के अंदर हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और इन्होंने 1830 और 1842 के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में इन्होंने सिशियोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि सिशियोलॉजी शब्द का यूज़ किसने किया था। और इसके अंदर क्या था, समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए उसे सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन का एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, इस पुस्तक में इन्होंने तीन स्तर की बात की थी, तीन स्टेज की बात की थी। सबसे पहला जो स्टेज था उसके अंदर धार्मिक स्तर की बात की थी। धार्मिक स्तर पे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो लोग धार्मिक हो जाता है वो बिल्कुल बिना सोचे समझे उस चीज़ पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों तात्विक स्तर होता है। तात्विक स्तर में क्या होता है कि उसे अमूर्त चीज़ के ऊपर जो उसके सामने नहीं है उसके ऊपर वो विश्वास करने लग जाता है। कॉमेट के अनुसार दूसरी अवस्था है तात्विक सोच की। इस स्थिति में व्यक्ति एक अदृश्य तथा निराकार शक्ति के अस्तित्व को महसूस करता है, यानी कि अपने ख्यालों में खोए रहना या फिर अपने आप से किसी चीज़ को मान लेना, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके अंदर खो जाना, वो कहलाता है तात्विक स्तर कहलाता है। और तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों वो है हमारे पास वैज्ञानिक स्तर। अब वैज्ञानिक स्तर में क्या होता है दोस्तों, जो भी चीज़ होती है वो वैज्ञानिक रूप से आइडेंटिफाई की जाती है, उसे जांचा जाता है, परखा जाता है, सोचा समझा जाता है, तभी जाके कोई निर्णय लिया जाता है और तभी किसी चीज़ को माना जाता है। तो ये तीन चीज़ें होती है धार्मिक स्तर पर, जो हमारे देवी देवता थे उन पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ इनमें से समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म की। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी आल्सो इंक्लूड एम्पिरिकल इंडिकेटर टू कनेक्ट द थ्योरी टू ऑब्जर्व फिनोमिना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिविज्म के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या होता है, हम वैज्ञानिक प्लस हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो हमारे सोचने समझने की जो हमारी अवधारणाएं बनी हुई है उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं, उन दोनों को साथ में लेके जो चलते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। यानी कि हम उसे एक किस्म से ये कह सकते हैं, हम इसके अंदर वैज्ञानिक तरीका भी यूज़ करते हैं प्लस में अंधविश्वास का जो तरीका है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान
होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि यह तय किया जा सके कि घटना के पीछे क्या कारण है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि वैज्ञानिक प्लस और हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका, उन दोनों तरीकों का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ है। अब देखिए, अब आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल कहानी समझ जाएंगे। अब देखिए, ये एक मरीज़ है, ये डॉक्टर के पास गया तो सभी डॉक्टरों ने कह दिया, भाई तू ठीक नहीं हो सकता, तेरी जो बीमारी है वो बहुत बड़ी है। ये 10 हॉस्पिटल में गया, बड़े बड़े सभी हॉस्पिटल वालों ने इसको कहा, भाई तू ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इस बंदे का जो मोरल है यानी कि उसका विश्वास है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, उसे खुद अपने आप लगने लग गया कि नहीं यार, मैं ठीक नहीं हो सकता। सभी ने उसका जो मोरल है वो डाउन कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद किसी ने इस इंसान को कहा, भाई तू ना उस बाबा के पास जा। ठीक है, इस बाबा के पास जाने से तू बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। उस बाबा के पास जाने से आज तक हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं। तो इस बंदे ने क्या किया दोस्तों, इस बाबा के ऊपर विश्वास कर लिया। और अब इस बाबा ने कहा कि तू ठीक हो जाएगा, कौन कहता कि तू ठीक नहीं होगा, मैं कहता हूँ तू ठीक होगा, और होगा तो अपने पैरों पे चलेगा, तो सब कुछ करेगा, तू ठीक होगा। इस बाबा ने इस इंसान को पूरा विश्वास दिलाया कि तू ठीक हो जाएगा और बहुत ही जल्द ठीक होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें योगा करनी है, तुम्हें पूजा करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, यानी कि 2-4 चीज़ें इन्होंने इसको बताई और कुछ मेडिसिन भी खाने को दी बाबा ने। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इस इंसान के अंदर आत्मविश्वास आ गया, इसके अंदर दोबारा से वो विश्वास जग गया कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1 साल के बाद ये इंसान बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्या यहाँ पे अंधविश्वास था? नहीं, यहाँ पे अंधविश्वास नहीं था। यहाँ पे इस बाबा ने इस इंसान का जो मोरल था वो ऊंचा बढ़ा दिया, इसका विश्वास था वो दोबारा से क्रिएट कर दिया कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। और लेकिन यहाँ पे जो एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से कह दिया था, भाई तू ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने इसका मोरल डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक अंधविश्वास में आके हम एक किस्म से कह सकते हैं कि अंधविश्वास में आ गया था। लेकिन दूसरे तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो अंधविश्वास ज़रूर था, लेकिन इस अंधविश्वास ने इसके अंदर दोबारा से जीने की इच्छा जागृत कर दी। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, हमने वैज्ञानिक यानी कि इस बाबा ने इसको कुछ दवाई भी खाने को दी, योगा भी करने को दी, और प्लस में अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि इन्होंने कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एक इसके अंदर विश्वास जगा दिया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, जिसके अंदर हम दोनों तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, और यहाँ पे हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है। अब देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्षवाद के साथ साथ अपने अनुभवों को मिलाकर किसी घटना का परीक्षण किया जाता है। इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है और सभी सिद्धांत पुनः प्रयोजित है। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है, यानी कि सभी अवलोकन यानी कि जो चीज़ें निकल के आई है वो अस्थिर है, वो बिल्कुल स्थिर नहीं है। जैसा कि डॉक्टरों ने कह दिया भाई तू ठीक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू ठीक हो ही नहीं सकता, यानी कि इनकी बात बिल्कुल अस्थिर है, यानी कि डॉक्टरों की जो बात है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए दोस्तों आप? तो इस तरीके से ये होता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। और फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम हमारे 50 लाइक ज़रूर आने चाहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। और दोस्तों अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप करके देखना और पता करना कि कितना कुछ आपको समझ में आया है।